हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक्सपायर्स एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। सो इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रसिस्टेंट कुकी। अब प्रसिस्टेंट कुकी क्या होता है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इसको देख लीजिए। ये सेशन कुकी एक होता है और एक होता है प्रसिस्टेंट कुकी। सेशन कुकी का मतलब ये होता है कि जैसे आप ब्राउज़र आप क्लोज करते हैं वैसे ही कुकी एक्सपायर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन प्रसिस्टेंट कुकी का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम आपने दे दिया है उसको, एक स्पेसिफिक डेट दे दिया है, और जब तक वो डेट एक्सपायर नहीं होता तब तक वो कुकी क्लाइंट के मशीन में बना हुआ रहेगा। सो ये जो डेट एक्सपायरेशन के साथ कुकी बनता है वह बनता है एक्सपायर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके। कैसे, एग्जांपल देखिए। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखना है, देन इक्वल साइन लिखकर नेम वैल्यू का पेयर लिखते हैं, यानी कि यूज़र नेम इक्वल गीकी, देन इसको सेपरेट करना है सेमी कॉलन से, देन एक्सपायर्स लिखना है इक्वल लिखकर। इस फॉर्मेट में आपको डे, डेट, मंथ, ईयर और टाइम लिखना है UTC, और इसको सेमी कॉलन से बंद कर देना है। इसका चलिए क्विकली एग्जांपल देखते हैं कोड में। कोड में जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्राउज़र में अभी कोई भी कुकीज नहीं है हमारे सर्वर का। सो सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में चलने के बाद यहाँ एडवांस्ड में, उसके बाद कॉन्टेंट्स आने के बाद कुकीज़ में सी ऑल कुकीज़। यहाँ देखिए अभी कोई भी कुकी नहीं है, पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। अभी हम लोग अपने कोड में चलते हैं, कोड एडिटर में यहाँ पर, और एक हम लोग कुकी क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट से क्लाइंट मशीन में ट्रांसफ़र करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखना है, इक्वल साइन देना है, देन यूज़र नेम इक्वल गी की, इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के बाद एक्सपायरी एस लगाना है, याद रखिएगा, एक्सपायर्स इक्वल साइन देना है और मंडे, तो MN भी लिखेंगे तो भी चलेगा, करेक्टर 3 होगा तो भी चलेगा, पूरा नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेस देकर 3 तारीख सितंबर, 3 करेक्टर लिखेंगे तो भी चलेगा, देन 2018 और स्पेस देकर टाइम लिखना, यानी कि 9 AM या फिर इसमें मिनट, और ये हमारा हो गया सेकंड, देन ये हो गया UTC, और इसमें सेमी कॉलन दे देना है यहाँ बाहर में। अगर आप देखना चाहते हैं कि सेट हुआ या नहीं तो आप इसको अलर्ट कर लीजिए, ये ओनली फॉर प्रोग्रामर्स है, इसको लगा के नहीं रखना है, इसे सिर्फ चेक करने के लिए हमारे लिए। इसको सेव कीजिए और इसको वेब सर्वर में ओपन कर दें। देखिए हमारी वेबसाइट में चला ये, और ये कह रहा है कि ये सेट हो गया। ओके में क्लिक करते हैं और यहाँ पर चलते हैं और इसको बैक करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सी ऑल कुकीज़ में चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो ये सर्वर है इसके लिए कुकी सेट हो गया है। यहाँ एक कुकी दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप चले जाते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा यूज़र नेम, वैल्यू, डिफ़ॉल्ट डोमेन, पाथ, और हमारे काम का चीज़ यहाँ है जो कि है ये। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि September 3, 2018 में ये कुकी जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। जो हम लोगों ने डेट लिखा था वह यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कुकीज़, ये जो कुकी है ये ब्राउज़र के क्लोज होने के साथ एक्सपायर नहीं होगा, बल्कि जब तक ये डेट एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक ये कुकी बना हुआ रहेगा, चाहे आप इस ब्राउज़र को क्लोज़ करें चाहे इस PC को क्लोज़ कर दें, बशर्ते कि यूज़र मैनुअली इस कुकी को डिलीट ना कर दें। सो इसको क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देता हूं और सर्वर भी यहां से ऑफ़ कर देता हूं, और वापस से आपको ये गूगल क्रोम ओपन करके दिखाता हूं कि अभी भी ये कुकी हमारा यहां बना हुआ है। डेवलपर टूल्स नहीं मेरे भाई, डेवलपर टूल्स की आदत हो गई। सो सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में एडवांस्ड में जाने के बाद यहाँ देखिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेक्शन में जाना है, देन कॉन्टेंट सेटिंग्स, और यहाँ से कुकीज़, और यहाँ पर सी ऑल कुकीज़, यहाँ अभी भी हमारा कुकी बना हुआ है। सो आप अगर सिस्टम को ऑफ़ भी कर देते हैं इस सिस्टम को, और ऑन करेंगे और गूगल क्रोम में आकर देखेंगे तो ये कुकी बना हुआ रहेगा इस तारीख तक, इस तारीख के बाद ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा। सो गाइज़, ये है एक्सपायर्स एट्रीब्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।